हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जी के जीएस। शिवशंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बोलने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। आज हम बताने वाले हैं कि पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जी हाँ, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा हम बात करेंगे 2023 वालों के लिए। जी हाँ, किसके लिए बात करेंगे? 2023 वालों के लिए हम बात करेंगे कि पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो 2023 का होगा, आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। और आज हम बताएंगे इसका सिलेबस। देखिए, पारा मेडिकल जो प्रवेश परीक्षा होता है वो चाहे 2022 में भी हुआ है और 2023 में भी होगा, तो 2023 की क्लास जो स्टार्ट होगी उसमें पारा मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा है वो 10th लेवल पर भी होता है और 12th लेवल पर भी होता है। क्या होता है बाबू? 12th लेवल पर भी होता है और 10th लेवल पे होता है। 12th लेवल पे जो फॉर्म भरी जाती है वो मैकेनिकल का फॉर्म भरी जाती है, PMM का फॉर्म भरी जाती है, जबकि 12th लेवल पे जो पारा मेडिकल होता है वो मेन पारा मेडिकल PM का फॉर्म भरी जाती है, ठीक है, PM का फॉर्म भरी जाती है। हम बात कर ले अगर कि PMM को देख ले या PM को, तो PM में जो सिलेबस पूछी जाएगी, न्यू सिलेबस 2023 का, तो न्यू सिलेबस जो होगा 2023 का उसमें आपको सामान्य विज्ञान पूछेगा, जिसकी क्वेश्चन की संख्या रहेगी आपका 25 क्वेश्चन, ठीक है। अंक गणितीय योग्यता पूछेगा जिसकी क्वेश्चन की संख्या रहेगी 15 क्वेश्चन। फिर आपका हिंदी पूछेगा जिसकी हिंदी की क्वेश्चन की संख्या रहेगी आपका 15। हिंदी में आपका ये किताब नहीं पूछेगा, लेखक का नाम, हिंदी व्याकरण, ये सब रहेगा, ठीक है। अंग्रेजी रहेगा ग्रामर से आपका 15 क्वेश्चन। फिर आपका सामान्य ज्ञान से रहेगा 20 क्वेश्चन। और ये सिलेबस है पीएम का, किसका? पीएम का, जो 12th लेवल पे फॉर्म भरी जाती है। तो देखिए, 25 क्वेश्चन पूछता है तो एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो 5 नंबर के बराबर होता है। जी हाँ, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा 5 नंबर मिलेगा। तो एक 25 क्वेश्चन रहेगा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला करके रहेगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर के टोटल हो जाएगा 125 नंबर। 15 क्वेश्चन रहेगा अंक गणितीय योग्यता, एक क्वेश्चन 5 नंबर के तो कितना हो गया टोटल नंबर, यानी अंक गणितीय योग्यता 75 नंबर के। फिर आपका हिंदी जो है 15 क्वेश्चन रहेगा, और हिंदी 15 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर के तो कितना नंबर हो गया टोटल, 75 नंबर का। अंग्रेजी भी रहेगा टोटल 75 नंबर का, और समान ज्ञान रहेगा टोटल 100 नंबर का। जी हाँ, क्वेश्चन के को रहेगा समान विज्ञान का 25, एक क्वेश्चन 5 नंबर के, यानी टोटल जो नंबर होगा आपका वो 450 नंबर का एग्जाम होगा बाबू, ठीक है। टोटल 450 नंबर का एग्जाम रहेगा और टोटल क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो 90 क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, वो टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा और नंबर कितना होगा, 450 नंबर का एग्जाम होगा। जबकि अगर बात कर ले पीएमएम का, तो पीएमएम में देखा जाए तो पीएमएम में जो रहेगा भौतिक विज्ञान रहेगा वो 20 क्वेश्चन पूछेगा 2023 में, रसायन विज्ञान भी रहेगा उसका भी 20 क्वेश्चन पूछेगा, जबकि पीएमएम में सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों एल एक ही में था, बायोलॉजी एक ही में था, इसमें पीएमएम में दसवां पे अलग अलग। जीव विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा 10 गो, गणित का क्वेश्चन रहेगा 10 गो, हिंदी का क्वेश्चन रहेगा 10 गो, अंग्रेजी का क्वेश्चन रहेगा 10 गो, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन रहेगा 10 गो। जी हाँ, सब 10-10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और सब रहेगा एक क्वेश्चन 5 नंबर के, तो आपका 100 नंबर के हो जाएगा विज्ञान भौतिक विज्ञान, 100 नंबर के हो जाएगा आपका रसायन विज्ञान, फिर आपका 50 नंबर के बायोलॉजी, 50 नंबर के मैथ, 50 नंबर के हिंदी, 50 नंबर के अंग्रेजी और 50 नंबर के जीके। टोटल जो होगा 450 नंबर के एग्जाम होगा और क्वेश्चन की संख्या होगी 90। जी हाँ, 90 क्वेश्चन होगा, एकदम बढ़िया, समझना है। और एग्जाम कितना का होगा, 450 नंबर का।
अगर इसमें 200 प्लस आता है तो कोई रोक ये नहीं सकता। अगर हम इससे बात कर ले पीएम के, इतना उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका हम स्क्रीनशॉट ले ले कि क्या क्या सिलेबस से पढ़ना है, सारे चीज हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अगर बात कर ले, देखिए पीएमएम में मात्र एक ही वो कोर्स होगा, वो भी ड्रेसर, क्या वो भी ड्रेसर का कोर्स, मात्र एक ही वो कोर्स होता है। ड्रेसर उसको बोलते हैं जो साफ सफाई का काम करता है, हाथ पैर टूटने के बाद प्लस्तरा का जो काम करता है, हॉस्पिटल में पेशेंट को घाव देखना, साफ करना, ये सब काम। अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम में जो कोर्स आता है, पीएम में कोर्स बहुत सारा, जो मेन पारा मेडिकल मेन मेन कोर्स है जो पीएम में आता है। जैसे देखो अगर किसी को एएनएम करना है नर्स का, तो पीएम का फॉर्म भरो। अगर किसी को जीएनएम करना है तो पीएम का जीएनएम, ध्यान देना, लड़की के लिए सिर्फ जीएनएम एएनएम है, लड़का नहीं कर सकता जीएनएम, ध्यान रखना। वो भी बिहार से, अगर लड़का हो किसी को करना है तो बिहार में प्राइवेट कॉलेज से करता है, सरकारी कॉलेज से आप जीएनएम नहीं कर सकते, नहीं तो दूसरे राज्य से, बिहार का नीति है, ठीक है। जीएनएम कर सकते हैं, ओटी कर सकते, ओटी लड़का लड़की दोनों के लिए है। डी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, फिर आपको डीएमएलटी कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, एक्सरे असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, एक्सरे असिस्टेंट का कोर्स आप कर सकते हैं। जो मेन मेन कोर्स आता है, जैसे इसमें आपका रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी करना है तो रेडियोलॉजी करने के लिए आपको पीएम का फॉर्म भरना पड़ेगा। जो रेडियोलॉजी करना चाहता है पीएम का फॉर्म भरेगा, जो सिर्फ दसवां पे पास करेगा वो ड्रेसर का उसको कोर्स मिलेगा, एक साल का कोर्स, इसमें सब डिप्लोमा कोर्स। मेन पैरामेडिकल ये होता है, ये तो ऐसी ही है लंदफंद, ठीक है। और इसका जो है पूरा क्लास जो है एकदम बढ़िया से बताएंगे। इसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, टेस्ट सीरीज का आपको पर मंथ ₹111 पे करना पड़ेगा, और इसका असाइनमेंट, इसका पीडीएफ सब आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।